एक दिन निम्मो नाम का एक चोर गहनों की दुकान से चोरी करके जा रहा था। इतने में उसकी जेब से एक कीमती हीरा नीचे गिरा। जब तक वो झुककर उसे उठाता, एक मुर्गी ने उसे निगल लिया। अरे अरे रुको, अरे रुको, मेरा हीरा, हे मुर्गी रुक। निम्मो चिल्लाते हुए मुर्गी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। मुर्गी गली में और तेजी से भागने लगी। निम्मो भी उसके पीछे भागने लगा। मुर्गी एक हिंडोले पर चढ़ गई। निम्मो भी हिंडोले का चक्कर लगाने लगा। जब वो थककर एक जगह रुक गया, तब मुर्गी घूमते घूमते उसके पास आई। निम्मो ने झपट मार के उसे पकड़ लिया। लो डेक्कन क्वीन, आखिर तुम्हें पकड़ ही लिया, अब दिखा मेरे चुंगल से निकल कर। तब मुर्गी ने उसके चेहरे पर जोर से तोच मारा। निम्मो जोर से चिल्लाया और मुर्गी उसके हाथों से छूटकर भाग गई। ओए, ओए, ओ तेरी। मुर्गी के तोच मारने के बावजूद भी निम्मो ने हार नहीं मानी। वो फिर से मुर्गी के पीछे भागा और मुर्गी उछलकर एक ऑटो पर जा बैठी। ऑटो स्टार्ट होकर वहां से निकल पड़ी। हैं? ये ऑटो कैसे शुरू हो गई? अब क्या करूं? ओ, साइकिल। निम्मो तुरंत वहां खड़ी एक साइकिल पर चढ़कर उसका पीछा करने लगा। उसने तेजी से साइकिल चला के उस ऑटो को पकड़ा। तभी उस ऑटो पर बैठे कुत्ते ने निम्मो के हाथ को जोर से काट लिया। अयो, अरे रे। चिल्लाते हुए निम्मो ने कैसे तैसे अपना हाथ छुड़ा लिया। वो ऑटो एक चिकन शॉप पर जा रुकी। निम्मो भी साइकिल पर जाकर वहां उतरा। उस चिकन शॉप का मालिक मुर्गी को देखकर कहने लगा, अरे कहां घूम कर आई हो मेरी डेक्कन क्वीन, तुम्हें सवेरे से ढूंढ रहा हूँ। ये कहकर उसने मुर्गी को पकड़ा और उसे अपने गोडाउन में डाल दिया। निम्मो ने छुपके से जाकर गोडाउन की खिड़की से झांक कर देखा। वहां बहुत सारी मुर्गियां थी। हे भगवान, अब इसमें से हीरा निगलने वाली मुर्गी कौन सी है? निम्मो परेशान हो जाता है। इतने में वो मालिक गोडाउन को बंद करके वहां से चला गया। अगले दिन निम्मो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वो चिकन का गोडाउन खोलेंगे। मालिक ने शाम को दुकान खोला। निम्मो तिलमिलाता हुआ वहां आया। ये क्या, आपने सुबह से दुकान क्यों नहीं खोला? अरे भाई, ये मेरे लिए पार्ट टाइम बिजनेस है। मैं ऑफिस से लौट के शाम को सिर्फ एक घंटे के लिए दुकान खोलता हूँ। जितनी मुर्गी बिक जाए उतना बेचता हूँ। इतने में वहां एक आदमी मुर्गी खरीदने आया। भाई साहब, एक अच्छी वाली मुर्गी देना। हाँ, 5 मिनट रुकिए। मालिक ने एक मुर्गी को पकड़ा और तभी निम्मो के मन में विचार आया। ओ, अगर ये मेरी हीरे वाली मुर्गी होगी तो? ये सोचकर निम्मो उस मुर्गी को खरीद लेता है। ऐसे ही एक एक करके निम्मो सारी मुर्गियां खरीदता है और उन्हें कटवाता है, लेकिन उसे उसका हीरा नहीं मिलता। ओ, अब क्या करूं? देखिए, मुझे ये मुर्गियां पसंद नहीं आई है। मैं कल फिर आऊंगा और मुर्गियां खरीदूंगा। निम्मो का अजीब बर्ताव देख के दुकान मालिक अचरज में पड़ता है। क्या अजीब आदमी है, लगता है सठिया गया है। निम्मो हर रोज उस दुकान में आकर किसी और को मुर्गी खरीदने नहीं देता था और मुर्गियों को कटवा के उनमें हीरा ढूंढता था। आज जरा देर हो गई, किसी को मुर्गी नहीं बेचे ना? किसी को नहीं बेचा, पर साहब बिरयानी बना रहे तो उनको मुर्गी मुफ्त में दे दिया। निम्मो ने तुरंत वहां बची हुई मुर्गियों को कटवाया, लेकिन उनमें हीरा नहीं मिला। यानी जो मुर्गी साहब लेके गए, उस मुर्गी ने हीरा निकला होगा। यहाँ साहब की पत्नी ने उस मुर्गी को काटकर बिरयानी बनाई। तभी निम्मो दाढ़ी मूछ लगाकर भेष बदल कर उनके घर आया। जी, आप कौन है? मैं CID अफसर सक्सेना हूँ। आपके घर एक केस के सिलसिले में आया हूँ। वो हीरे की चोरी का केस है ना? यकीनन ये उस निम्मो ने ही किया होगा। एक बार बस हाथ आ जाए, उसे जिंदगी भर जेल में ही सड़ता रहना होगा। निम्मो घबरा कर बोला, ठीक है ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है, बिरयानी हो तो खिलाइए ना। आप कैसे जानते हैं हमारे घर बिरयानी बनी है? ठीक है, आइए साथ में बैठ के खाते हैं बिरयानी। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। साहब की पत्नी बिरयानी के बर्तन लेकर वहां आती है। निम्मो बेसब्री से उस बर्तन की ओर देखता है। साहब की पत्नी उसकी प्लेट में बिरयानी परोसती है। निम्मो उस प्लेट में हीरा ढूंढने लगता है। बिरयानी खाना छोड़कर क्या ढूंढ रहे सर आप? कुछ नहीं कुछ नहीं, बस यही चेक कर रहा था कि चावल में कंकर तो नहीं है। निम्मो साहब की प्लेट छीन के उसमें भी हीरा ढूंढने लगा। बाद में बर्तन को भी छीन लिया और उसमें भी हीरा ढूंढने लगा। तभी साहब की पत्नी बोली, अजी मैं बताना भूल गई, जब चिकन को काटा तो उसमें से ये चमकता हुआ पत्थर मिला। हीरे को देखते ही निम्मो खुश हुआ। अरे ये तो हीरा है। निम्मो को साहब और उसकी पत्नी शक की निगाह से देखने लगे और साहब ने तुरंत उसकी नकली दाढ़ी खींच ली। क्यों रे कमीने, तो तुम्हारे चुराए हुए हीरे को इस मुर्गी ने निकला था और इसे हासिल करने सीधे इधर चले आए, लेकिन उस मुर्गी ने पकड़वाया है तुम्हें। अब चलो
जेल की हवा खाओ। और इस प्रकार साहब ने निम्मो को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ कभी ना कभी दुनिया के सामने आ ही जाता है, इसीलिए हमेशा सच्चाई के रास्ते चलने में ही हमारी भलाई है। दोस्तों, प्यार एक ऐसी भावना है जो किसी का भी दिल पिघला सकती है और बदलाव का कारण हो सकती है। चलिए देखते हैं ये अनोखी कहानी जो हमारे लिए भी एक सीख है। देखते हैं नागमंडल के राहिवासी सूर्यकांता और अश्विन कुमार के जीवन में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने हमेशा के लिए नागमंडल छोड़ के एक सामान्य गांव में ज़िंदगी बिताने का निर्णय लिया। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सूर्यकांता और अश्विन कुमार, इन नागपति पत्नी को नागमंडल से बेदखल किया गया था क्योंकि उन्होंने नागमंडल के नियमों को भंग किया था। अब नाग देवता ने उन्हें धरती पर कुछ समय के लिए भेजा था और उन्हें मनुष्य के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करना था। उनके हाथों कोई भला या नेक काम हो जाने के बाद वो वापस नागमंडल जा सकते थे। बड़ा अजीब है मनुष्य के रूप में जीवन बिताना, बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन कोई चारा भी नहीं है। जब तक कुछ नेक काम हमारे हाथों नहीं होता, हमें यही रहना है। लेकिन मनुष्य बस्ती में रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हाँ, सही कहा तुमने, क्योंकि हर पूर्णिमा और अमावस को हमें शंकर भगवान की पूजा भी करनी है, और वो भी हमारे मूल रूप में आके। काफी समय सोचने के बाद अश्विन कुमार मध्य प्रदेश के एक गांव के पास एक जंगल में रहना निश्चित करता है। काफी घना जंगल है, यहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। मैं यही एक मिट्टी का शिवलिंग बना देती हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते गए। सूर्यकांता और अश्विन कुमार एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे, मगर बिना भूले हर पूर्णिमा और अमावस्या को अपने मूल नाग के रूप में आके शिवलिंग की पूजा करते थे। एक दिन रात को उन्हें किसी छोटे बच्चे का रोना सुनाई दिया। सुनिए, क्या आपको किसी बच्चे का रोना सुनाई दे रहा है? चलिए देखते हैं। दोनों पति पत्नी झोपड़ी से बाहर आते हैं। थोड़ी दूर जंगल में चलने के बाद एक पेड़ के नीचे छोटे बच्चे को रोता देख चकित हो जाते हैं। अरे, ये बच्चा किसका है? पता नहीं, आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। दोनों बच्चे के पास जाते हैं। सूर्यकांता उसे गोदी में उठा लेती है और पर्णकुटी के अंदर ले आती है। गोदी में आते ही बच्चा शांत हो जाता है और सो जाता है। कितना प्यारा बच्चा है ना, पता नहीं कौन ऐसे छोड़ गया है। कुछ देर बाद बच्चा फिर से रोने लगता है, इसीलिए सूर्यकांता उसके शरीर से लपेटा हुआ कपड़ा निकाल देती है और बच्चे को देख चिंतित हो जाती है। हे नाग देवता, ये क्या? क्या हुआ प्रिय? जरा देखिए तो, इस बच्चे के दोनों पैरों में व्यंग है। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। कोई बात नहीं, हम इस बच्चे की परवरिश करेंगे। हाँ, आज से हम इसे अशोका बुलाएंगे। सूर्यकांता और अश्विन कुमार अशोका को बड़े लाड़ प्यार से बड़ा करते हैं। सूर्यकांता रोज रात को किसी औषधि वनस्पति के तेल से उसके पैरों की मालिश करती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे अशोका अच्छे से चलने फिरने लगता है। माँ देखिए, मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। क्या अब मैं इस जंगल से बाहर जा सकता हूँ? अभी नहीं बेटा, पहले तुम थोड़े और बड़े हो जाओ। और इस प्रकार अशोका के माता पिता उसे जंगल के बाहर जाने से रोकते थे। अशोक अब 15 साल का हो गया था। एक दिन वो चुपचाप जंगल के बाहर गया और वहाँ की रहन सहन, लोग, उसी के हम उम्र बच्चे और खाना पीना इत्यादि देख के मोहित हो गया। ओह, ये तो एकदम अलग दुनिया है। कितनी प्यारी है, रंगीन है। बहुत चलने के बाद अशोका को अब भूख लगती है। वो एक घर के यहाँ जाता है और खाना मांगता है। क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? बहुत भूख लगी है। घर की मालकिन बाहर आती है और उसे खाना देती है। कुछ देर बाद उस घर में रहने वाला लड़का कुमार पाठशाला से आता है और अशोका को देख खुश होता है। दोनों साथ मिलके खेलते हैं। कुमार, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हुई है, माँ पिताजी चिंता करेंगे। ठीक है, कल फिर आना। और तुम कहाँ रहते हो? जंगल में हमारा छोटा घर है। अशोका वहाँ से निकल जाता है और तभी कुमार के पिताजी जमुना दास, जो कि एक लालची व्यापारी है, वहाँ आते हैं। कौन था ये लड़का? गांव में नया है? शायद अशोका नाम है उसका, जंगल में रहता है। जंगल सुनते ही जमुना दास सोच में पड़ते हैं। जंगल? वहाँ तो हिंसक जानवर भरे पड़े हैं। ये लड़का वहाँ रहता है?
कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। अशोका फिर एक बार माता पिता से छुप के गाँव में आता है और कुमार के साथ खेल में दंग हो जाता है। अशोका, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें घर जाना चाहिए। ओह, बहुत देर हो गई, मुझे निकलना चाहिए। अशोका को घर जाने में देरी होती है और उस दिन जमुना दास अशोका का पीछा करते हुए जंगल पहुंचता है। ओह, ये लड़का यहाँ रहता है, बड़ी अजीब बात है, कुछ देर यही रुकता हूँ। थोड़ी देर बाद अशोका के माता पिता पूजा की थाली लेके बाहर आते हैं और अपने मूल रूप में आके शिवलिंग की पूजा शुरू करते हैं। ये सब देख जमुना दास हक्का बक्का रह जाता है। सूर्यकांत और अश्विन कुमार के सर पर चमकता नागमणि देख जमुना दास के मन में लालच निर्माण होता है। ओह, इसका मतलब इस लड़के के माता पिता इच्छाधारी नाग है, मतलब वो लड़का भी इच्छाधारी नाग होगा। अगर मुझे तीनों नागमणि मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। दूसरे दिन जमुना दास अपने चार हट्टे कट्टे गुंडों के साथ अशोका के जंगल वाले घर जाता है। सूर्यकांत और अश्विन कुमार खाने का प्रबंध करने जंगल गए हैं और अशोका अकेले ही खेल रहा है। पकड़ो इस सांप के पिल्ले को। अशोका अचानक हुई इस बात से डर जाता है। चारों आदमी अशोका को घेर लेते हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? कौन है आप? चुप, ज्यादा बकबक मत कर, मुझे तेरा नागमणि दे दे जल्दी। जमुना दास की बात सुन के अशोका उलझन में पड़ता है और रोने लगता है। कैसा नागमणि, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे मत मारिए, कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। अशोका डर के मारे चिल्लाने लगता है और तभी सूर्यकांत और अश्विन कुमार जंगल से लौटते हैं। अशोका, ये सब क्या हो रहा है? हमारे बेटे को छोड़ दीजिए। क्या चाहिए आपको? क्यों हमारे बेटे को मार रहे हैं? अगर अपने बेटे की हिफाजत चाहते हो तो जल्दी से अपने नागमणि मुझे दे दो। जमुना दास की बात सुन के सूर्यकांत और अश्विन कुमार चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। क्या हुआ? मुझे पता है तुम इच्छाधारी नाग हो और तुम्हारे पास नागमणि है, जल्दी करो वरना इस पिल्ले को मैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, आपको जो चाहिए हम दे देंगे। अशोका को कुछ मत कीजिए, उसके पास नागमणि नहीं है। क्या, झूठ मत बोलो। ये सच है, क्योंकि अशोका हमारा बेटा नहीं है, हमने सिर्फ उसे पाला है। अश्विन कुमार की बात सुन के अशोका को जबरदस्त झटका लगता है। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, और आप दोनों मनुष्य नहीं हो। ये सच है बेटा, हम नागमंडल के रहवासी हैं। सूर्यकांता अशोका को इतने साल छुपाया सच बताती है। उसकी बात सुन के अशोका बहुत दुखी होता है। तुम्हारी नौटंकी बंद करो और मुझे तीनों नागमणि दे दो, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, हम अभी अपने मूल रूप में आते हैं, लेकिन अगर आपने हमारा नागमणि निकाल दिया तो हम कभी वापस नागमंडल नहीं जा पाएंगे। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे नागमणि दे दो जल्दी, नहीं तो मैं इस पिल्ले को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, हम अभी अपने प्राण त्याग करते हैं, लेकिन वादा कीजिए कि आप हमारे पुत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। अश्विन कुमार और सूर्यकांता बड़े प्यार से अशोका को देखते हैं और अपने प्राण त्यागते हैं। दोनों को मृत अवस्था में देख अशोका रो पड़ता है। माँ, पिताजी, मुझे माफ कीजिए, मेरी गलती की वजह से आपको प्राण त्यागने पड़े, ना मैं गांव देखने जाता और ना ये सब होता। अश्विन और सूर्यकांता अपने मूल रूप में दिखने लगते हैं। उनके मस्तक पर चमचमाता नागमणि देख जमुना दास फूले नहीं समाता। अब मुझे धनवान और शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। जमुना दास मृत अश्विन कुमार का नागमणि लेने के लिए आगे बढ़ता है, मन ही मन बहुत खुश होता है। जैसे ही वो अश्विन कुमार के नागमणि को हाथ लगाता है, उसे बिजली का जोरदार धक्का लगता है और उसके पूरे शरीर को लकवा मारता है। अब वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा, डर के मारे उसके गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। मूर्ख इंसान, तुझे क्या लगा नागमणि हासिल करना इतना आसान है? इन दोनों ने एक इंसान के बच्चे की जान बचाई, उसे प्यार से पाला, जिसे आप जैसे किसी अकलमंद इंसान ने जंगल में मरने के लिए फेंक दिया था। नागराज आशीर्वाद से सूर्यकांत और अश्विन कुमार को फिर से जीवित करते हैं। दोनों फिर से इंसान के रूप में आते हैं। प्रणाम नागराज। अश्विन कुमार, सूर्यकांता, आप दोनों की सजा पूरी हुई है, अभी आप नागलोक चल सकते हो।
सूर्यकांत और अश्विन कुमार सोच में पड़ते हैं। नहीं नागराज, हम अशोका को इस भयंकर इंसानी दुनिया में अकेला नहीं छोड़ सकते। आपकी इजाजत से हम यही धरती पर ही रहना चाहेंगे। सूर्यकांता की बात सुन के अशोका भावुक होता है। माँ, पिताजी, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको गलत समझता रहा। आप मुझे बाहरी इंसानी दुनिया से दूर क्यों रखते थे, ये बात अब मेरे समझ में आई है। आप मेरे लिए इतना बड़ा त्याग मत कीजिए, आप नागमंडल जाइए। नहीं अशोका, हम तुम्हें छोड़ के वहाँ खुश नहीं रहेंगे, हमारा सुख तुम्हारे साथ ही है। नागराज सूर्यकांत और अश्विन कुमार की बातें सुन के प्रभावित होते हैं और उन्हें आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। जमनादास लंगड़ते लंगड़ते अपने घर चला जाता है और यहाँ अशोका अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तो देखा दोस्तों, कैसे सूर्यकांता और अश्विन कुमार ने अपने बेटे अशोका के लिए सब कुछ त्याग दिया। हमें भी हमारे माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनकी सलाह माननी चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। चलिए फिर जल्द ही आपको मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर। संगीता एक 18 साल की बहुत अच्छी लड़की है। पिछले साल माँ के गुजरने के बाद उसने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठा ली है। लेकिन एक दिन अचानक उसके पिताजी श्रीधर दूसरी शादी करके नई बीवी के साथ घर आए। संगीता, ये तुम्हारी माँ है, अब ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। पिताजी की बात सुन के संगीता को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके और पिताजी के बीच कोई तीसरा आए, ये बात उसे खटकती है। वो अपने पिताजी के साथ बहुत बेरुखी से पेश आती है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ पिताजी। संगीता नाराजी से कॉलेज चली जाती है। उसका व्यवहार देख के श्रीधर और सौतेली माँ थोड़े दुखी हो जाते हैं। आप बुरा मत मानिए, हमारी शादी के बारे में उसे पता नहीं था। थोड़ा वक्त जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। संगीता बहुत सुस्वभावी लड़की है। जी, कोई बात नहीं। दिन गुजर रहे थे, संगीता और उसकी सौतेली माँ के बीच का तनाव बढ़ रहा था। संगीता, कॉलेज से जल्दी घर आया करो। अब क्यों मेरी लाइफ में ताकझाक कर रही है, अपना काम देखिए। वही तो कर रही हूँ बेटा, ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, इसलिए ये स्वेटर तुम। बस कीजिए ये प्यार का नाटक, आप मेरी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती, ये याद रखिए। संगीता अपनी सौतेली माँ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उनकी हर बात से उसे गुस्सा आता, फिर चाहे वो उसकी भलाई के लिए क्यों ना हो। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, हर बात में दखल अंदाजी कर रही है। ये खाओ, ये मत खाओ, ये करो, वो मत करो, ये कपड़े पहनो, घर जल्दी आओ, I just hate her। संगीता की सौतेली माँ का पेशेंस भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाता है और अब दोनों में रोज नोकझोंक होने लगती है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, कितना भी किसी के लिए करो उसे उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। क्या हर सौतेली माँ बुरी होती है? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, ये लड़की है ही नकचड़ी, बड़ों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है इसे। ससुराल जाके हमारी ही नाक काटेगी ना। लेकिन और नहीं तो क्या, तुम भी अब उसके साथ सख्ती से पेश आना। संगीता और उसकी माँ श्रीधर से एक दूसरे की शिकायत करती रहती है। श्रीधर के लिए अब एक नई टेंशन हो गई है, उसके लिए दोनों ही समान रूप से इम्पोर्टेंट है। सुनिए, आप जरा अपनी लाडली को समझाइए, मेरा कहा बिल्कुल नहीं मानती, मैं क्या दुश्मन हूँ उसकी? आप शांत रहिए, मैं उससे बात करूंगा। वो तो आप पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, कुछ फायदा हुआ? श्रीधर को समझ नहीं आ रहा है संगीता और अपनी पत्नी को कैसे समझाएं। संगीता अपने मामा मनोहर के काफी करीब है, कुछ दिन के लिए उसे मामा के घर भेजता हूँ, मूड अच्छा हो जाएगा उसका। पास ही के गाँव में संगीता के मामा मनोहर की दवाई की दुकान है। संगीता अपने मामा मनोहर की बहुत लाडली है, वो श्रीधर की अनुमति से मनोहर के यहाँ 2 दिन रहने आती है। चलो अच्छा हुआ तुम 2 दिन यहाँ रहने आई, मुझे भी बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी। मामा, क्या मैं आपके घर हमेशा के लिए रहने आ सकती हूँ? संगीता का सवाल सुन के मनोहर चकित हो जाता है। क्यों बेटा, कोई परेशानी है? संगीता झिझकते हुए अपनी मन की बात मनोहर को बताती है। जी वो मैं मेरे उस घर में आई नई औरत के साथ बिल्कुल नहीं बनती, आई हेट हर। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो तुम्हारी माँ है। नहीं, वो मेरी माँ नहीं हो सकती मामा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में दखलअंदाजी करती है, बस मुझे उससे छुटकारा चाहिए। मनोहर संगीता की बातें सुन के परेशान हो जाता है। मामा, आप केमिस्ट हो ना? हाँ, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं।
वो कैसे? आप मुझे ऐसी दवा दीजिए जो जहर के जैसा काम करे। मनोहर संगीता की बात सुन के चौंक जाता है। उससे तुम्हारी समस्या कैसे खत्म हो जाएगी? मैं उस नई माँ को वो दवा खिला के मार डालूंगी। मनोहर को संगीता की बात सुन के झटका लगता है और वो सोच में पड़ता है। बात काफी सीरियस हो चुकी है। मनोहर घर की अलमारी से एक दवा की शीशी ले आता है और वो संगीता को देता है। संगीता, ये एकदम जालिम दवा है, बस तुम रोज इसमें से 2 बूंद दवा तुम्हारे माँ के खाने में मिला दो। ये दवा एक साथ क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते मामा? इस दवा से तुम्हारे माँ की तबीयत धीरे धीरे खराब हो जाएगी और लोगों को लगेगा कि वो बीमारी की वजह से, मतलब धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से स्वर्गवासी हो गई, मतलब नेचुरल डेथ। अच्छा ठीक है। लेकिन और एक जरूरी बात तुम्हें करनी है। वो क्या मामा? इस दरमियान तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ एकदम अच्छा व्यवहार रखना होगा ताकि जब वो मर जाए तुम पर कोई शक ना करे। संगीता मामा की बात से राजी होती है और 2 दिन बाद अपने घर लौट आती है। संगीता, तुम्हारे लिए खीर बनाई है, खाना है तो खा लो। ओह थैंक यू माँ, जरूर बढ़िया बनी होगी। संगीता का बदला व्यवहार देख उसकी माँ और पापा खुश हो जाते हैं। चलो बढ़िया है, लगता है मनोहर मामा ने संगीता को अच्छी समझ दी है। संगीता ने अब रोज उसकी माँ के खाने में उस दवाई की 2 बूंदे डालना शुरू किया और उनके साथ बड़े प्यार से पेश आने लगी। उसके अच्छे बर्ताव की वजह से उसकी माँ भी उससे प्रेम पूर्वक पेश आने लगी और इस प्रकार कुछ ही दिनों में दोनों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति बदल गया। माँ, समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है, मैं कल ही बना देती हूँ, बस जरा ये हाथ का दर्द थोड़ा कम हो जाए, पता नहीं अचानक क्या हो गया है। ओह आपने मुझे बताया क्यों नहीं माँ? लाइए मैं आपके हाथ को मालिश कर देती हूँ। माँ के हाथ को मालिश करते समय संगीता सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, ये कहीं मेरी उस दवा की वजह से तो नहीं हो रहा। अगले ही दिन संगीता की माँ बुखार से बीमार पड़ जाती है और संगीता मन ही मन डर जाती है। वो तुरंत अपने मामा के घर पहुँचती है। अरे संगीता बेटा, तुम कब आई? मामा, क्या आपके पास उस जहर वाली दवा का असर नष्ट करने वाली कोई एंटीडोट दवा है? क्यों, क्या हुआ? मामा, मेरी माँ दरअसल बहुत अच्छी है, मैंने ही खामखा उनके बारे में घृणा पाली थी। ओ, लेकिन तुम्हें तो उनसे छुटकारा चाहिए था ना? नहीं, मैं गलत थी, मुझे वो अच्छी लगती है, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन अब उस जहर का असर दिख रहा है, वो बीमार पड़ रही है, प्लीज उस जहर का एंटीडोट दीजिए। कौन सा जहर? जो आपने मुझे दिया था माँ के खाने में मिलाने के लिए। संगीता की बात सुन के मनोहर हंस पड़ते हैं और संगीता चकरा जाती है। संगीता, मैंने तुम्हें जो दवा दी थी वो कोई जहर वहर नहीं थी, शक्कर की चाशनी थी। मनोहर की बात सुन के संगीता चकित और रिलैक्स हो जाती है। क्या? ओह थैंक गॉड, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया मामा? देखो बेटा, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है क्योंकि हर कोई अलग अलग परिस्थितियों से गुजरता है, लेकिन हमें एक दूसरे को समझने की दिल से कोशिश करनी चाहिए, तभी अच्छे रिश्ते बन सकते हैं। संगीता मनोहर की बात ध्यान से सुन रही है। और जब कभी अपने ही लोगों के बीच तनाव आ जाता है तब उनसे जुड़े हर किसी व्यक्ति की यही कोशिश होनी चाहिए, वो दोनों परिचितों को शांत रहने का सुझाव दे और उन्हें सही दिशा दिखाए। बस मैंने वही किया। संगीता मामा को धन्यवाद देके तुरंत अपने घर निकलती है। जिंदगी में पहली बार जहर की वजह से रिश्ता जुड़ते देखा है, ना कि मरते हुए, वरना जहर तो मारने के लिए ही बदनाम है।